ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। रीवा में दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकन खातिर बड़ी खबर लेके आए हैं। बता दें कि सड़क दुर्घटना के रोके खातिर एक तरफ जहां लगातार प्रयास किए जा रहा तो दूसर कहीं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के पालन करब बेहद जरूरी है। पालन न करे के दशा में कड़ी कार्रवाई की जाए, रीवा SP के द्वारा लेके पूरे मामले में निर्देश जारी किए गए। हम तो मध्य क्षेत्र के पल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम कही थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि सड़क दुर्घटना का रोके के खातिर लगातार जहां प्रयास किए जा रहा तो दूसरे कई उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा निर्देश जारी किए गए। हम जिसके मुताबिक चार पहिया वाहन चालक और सवारी का सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है और इमेर से दोपहिया वाहन चालक तथा साथ में बैठे वाले व्यक्ति का हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा बताया गया कि वाहन चालक उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन करके स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी आदि वाहन चलावे के दौरान और चालक के पीछे बैठे वाले सवारी दोनों व्यक्ति हेलमेट अनिवार्य रूप से पहना। यही में से चार पहिया के वाहन चालक और उनमें बैठे वाले सवारी सीट बेल्ट जरूर लगावा, वाहन दुर्घटना रोके और दुर्घटना के कारण असमय होने वाली मौत का रोके के खातिर उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए। हम बता दें कि रीवा जिला में यातायात पुलिस 20 नवंबर से यातायात के जुड़ा विशेष अभियान चला वाला है, जो उनके आगामी 10 जनवरी तक यानी कि लगातार 50 दिन तक विशेष रूप से जारी रही। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालक का हेलमेट पहने और चार पहिया वाहन चालक का सीट बेल्ट लगावे के समझाइश दिन जाला है, जबकि उल्लंघन करे वाले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाला है। बता दें कि दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक वाहन चलावे के दौरान उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करा। हेलमेट और सीट बेल्ट अपना की सुरक्षा खातिर बना है, एक इस्तेमाल न कह के अपना आपन नहीं बल्कि दूसरों के जीवन का खतरा में डालते ही थे। दूसरी तरफ नियम के उल्लंघन करके दंड के भागी बने थे, जो अलग वाहन चलावे के दौरान यातायात नियमन के पालन और सावधानी जो उन्हें पूरी तरीके से बरती। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।